हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूनिट नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एनटीए नेट के यूनिट नंबर 5 पर जो है ये करप्शन का जो पार्ट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपने देखा होगा कि इसके क्वेश्चन अगर वो प्रैक्टिकल बेस पर आते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा या कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या, उसको आप इजिली कर लेते हैं। दरअसल उसमें कुछ रैंकिंग को लेकर के और कुछ इंस्टीट्यूशन है उनको लेकर के क्वेश्चन आता है छात्रों, तो उसको हम लोग पूरा फोकस करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा समझते, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कथन करण वाले भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली कर लीजिए। तो भ्रष्टाचार यानी करप्शन, भ्रष्टाचार न केवल हमारे निजी जीवन के लिए अभिशाप है बल्कि यह समाज व राष्ट्र के लिए भी बाधक है। इसका मतलब ये केवल पर्टिकुलर निजी जीवन प्राइवेट लाइफ के लिए नहीं, बल्कि ये जो आपकी ओपन लाइफ है, सोसाइटी है, राष्ट्र है, इन सब के लिए भी बाधक है। मतलब सीधी सी बात है छात्रों कि ये भारत में ही नहीं है, आज हम करप्शन की बात केवल भारत में ही नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के अंदर में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, जैसे जैसे ये दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है, करप्शन कहीं ना कहीं किसी लेवल पर आप देखते ही जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आज कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं रह गया जहां पर करप्शन ना हो, गाय बजाय कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन इस प्रकार की चीजें हमारे समाज में बन गई। तो क्या कारण है, कैसे, कुछ चीजें हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे और धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है वो दीमक की तरह धीरे धीरे करके हमारे समाज व देश को खोखला करता जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप भ्रष्टाचार से युक्त हैं और उसी के जरिए अगर आप आए हुए हैं तो आप लोगों से भी पैसा लेंगे, या आप मान लीजिए अगर गलत लोगों को अगर पद प्रतिष्ठा पर बैठा देते हैं, ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे करके ये पूरे पूरे समाज में या पद प्रतिष्ठा वाले लोगों पर अगर भ्रष्ट युक्त होंगे लोग, उनका आचरण सही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो पूरे समाज को प्रभावित करने का काम करेंगे, ठीक है। या समाज और देश दोनों को ही धीरे धीरे करके खोखला कर रहा है, और देश में प्रत्येक सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, राजनीति में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ। मतलब इन सब चीजों से अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, यानी अगर किसी नेता से कहिए तो वो भी यही बात स्वीकार करेगा, और इसी तरीके से अगर हम कार्यालय इन सब चीजों में कहें तो वो भी यही कहीं ना कहीं कहेंगे कि सब जगह पर व्याप्त हो गया, लेकिन हम सही हैं, ठीक है। बस वो ये बताते रहेंगे हम सही हैं, लेकिन व्याप्त हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए बड़ी विडंबना है। और इसी संदर्भ में सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको नमन करता हूं मैं, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी एक ऐसी अवस्था में विकसित होती है। तो ये कहते हैं हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी एक ऐसी अवस्था में विकसित होती है जहां आर्थिक संसाधनों से संपन्न एवं सशक्त वर्ग के लोग कार्य करते हैं। मतलब जो लोग सशक्त हैं, जो संपन्न हैं, वही लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं है, देखते नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं बता दूं छात्रों, मतलब एक बहुत ही मार्मिक एग्जाम्पल है, विश्वास करिए आप सब प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी बड़ी अच्छी सी सब्जी की दुकान होती है जहां सब कुछ रखा होता है, आप उस दुकान पर जाइए और एक कार से उतरिए, आप जैसे विश्वास करिए जैसे आप कार से उतरते हैं तैसे वो व्यक्ति क्या करता है, अगर मान लीजिए वो 20 रुपए किलो की अगर लौकी रखा हुआ है तो तुरंत ही उसका दाम वो 40 रुपए बताएगा, ठीक है। मतलब आप सोचिए, और वहीं विश्वास करिए कि अगर आप एक छोटा सा कोई वृद्ध व्यक्ति हो, कुछ हो, और एक मतलब जमीन पर बैठ करके अपनी कुछ चीजें बेच रहा हो, और आप उसको जो भी पैसे दे देते हैं वो रख भी लेता है, और कभी कभी अगर आपने कह दिया ठीक है रख लीजिए बस इतना बहुत है, तो मतलब वो मान जाता है और वो कभी भी आपसे छलावा नहीं करता, और फिर भी आप उससे ये कहते हैं अगर उसने कहा कि ये 10 रुपए किलो में है, या उसने कह दिया मैं 20 रुपए में, तो आप उसको समझा करके अरे 15 में दीजिए, नहीं तो फिर क्या करेंगे, ये रखे रहेंगे। तो मेरा अपना गुजारिश आप समझ गए होंगे छात्रों कि इन लोगों के पास में भी पैसा, क्योंकि वो क्या है, वो साधन संपन्न नहीं है, ठीक है। ये हमारे हिस्टोरिकल जो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, इस बात को समझिए कि भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी देखा जाए तो ऐसी जगह पर विकसित होती है, उसका जो डेवलपमेंट है, जहां आर्थिक संसाधनों से संपन्न और सशक्त व्यक्ति, यानी जिसके पास में लैस, उसको पता है कि अगर नहीं बिकेगा तो हमारे पास फ्रीजर है, हम उठा करके रख देंगे, लेकिन इसके पास में कोई फ्रीजर नहीं, इसको पता है कि अगर ये नहीं बिका तो कल पता नहीं हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, और ये जा करके फेंक उठेगा, सड़ उठेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसी 20 रुपए की चीज को 15 क्या वो 10 में देने के लिए तैयार हो जाता है, और ये दुमदुमी भर चुका है कि 40 में देंगे, सर महंगाई बहुत है क्या करेंगे, तो ले दे करके आप 40 में ही लेते हैं, उससे कम भी नहीं कराते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकार की बातें ही अपने सही शब्दों में रख देता है कि आप तुरंत समझ जाते हैं महंगाई बढ़ गई, सर आप साहब समझ रहे हैं, ठीक है, और ये इसके पास ये बातें नहीं होती। तो संपन्न और सशक्त वर्ग के लोग ही कार्य करते हैं, बहुत ही उमदा बात है छात्रों, और अभी मैं आपको समझाऊंगा भी कि भ्रष्टाचार किस तरीके से होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें आगे और आती।
जो कानूनी तथा नैतिक नियमों आदर्शों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। तो सही बात है, कानून और नैतिक नियमों और आदर्शों के प्रतिकूल व्यवहार उसके अनुकूल नहीं करते। और इस वर्ग में नौकरशाही, राजसत्ता, उद्योग धंधे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये सभी इसमें आते हैं। यानी असली देखा जाए तो यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। बाकी तो जो निचले लेवल पर छात्रों, वो रिश्वतखोरी नहीं, वो चोरी है, ठीक है। तो रिश्वतखोरी और चोरी में अंतर होता है, इसको क्लियर रखिएगा। आपसे कोई दो पैसे का बचा ले जाए तो चोरी होती है, चोरी कर लेना, ठीक है। तो चोरी और रिश्वतखोरी दोनों में अंतर। चोरी छात्रों क्या होता है कि जानबूझ करके चालाकी करना, और रिश्वतखोरी ये आपके जीन में बैठ जाता है और आपको इस तरीके से करने के लिए मजबूर करता है, एक सिस्टम में का अंग बन जाते हैं जो वाकई में पूरे देश को खोखला करने का काम करता है, ठीक है। तो चीजों को समझिए और इसी तरीके से आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और वो दूध में पानी मिला दिया और दे दिया आपको, तो ये चोरी है, ठीक है, रिश्वतखोरी नहीं किसी प्रकार की। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर आप ये दूध बेचेंगे तो यहाँ पे ला करके देंगे तो इस पे 20 रुपये आपको कमीशन मिल जाएगा, 1 रुपया हम अलग से दिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिश्वतखोरी हो जाएगी। तो याद रखिए, चोरी ठीक है लेकिन रिश्वतखोरी किसी सूरत में नहीं सही है, देश को अंतिम रूप से खोखला कर दे। चोरी एकदम सामने पकड़े गए, ठीक है, वो बिल्कुल सामने क्लियर रहती है, वहां पर आपके डंके की चोट पर काम है। लेकिन रिश्वतखोरी इंटरनल होता है जो अंदर से लोगों को तोड़ देता है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर से लेकर महिलाएं, अभी देखिए तमाम आत्महत्या और इन सब की घटनाएं आती हैं, और उसके पीछे कारण क्या है कि ऐसे बच्चे जिनको कभी नहीं सिखाया गया घर पे भी, उनका समाजीकरण सिर्फ यही हुआ कि आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन सारा कुछ अच्छा करते गए, उसका रिजल्ट इतना ज्यादा वो बुरे फंस गए हैं, उनको एटलीस्ट जो है आत्महत्या कर लेनी पड़ी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मतलब ये, इसको भी हम इसका क्या कहेंगे, ये जो भ्रष्टाचार का ही विकृत रूप ही कहेंगे, ठीक है छात्रों। तो चलिए बात करते हैं इसको, उपहार, सुविधा, शुल्क, पैसे आदि से सशक्त वर्ग से संपर्क करने का प्रयास भी भ्रष्टाचार का इनाम है। देखो यहाँ पर उपहार या सुविधा शुल्क इस प्रकार की चीजें देने की भी बात हो जाती है, इसका मतलब ये जो पार्ट आपका आ गया कि सशक्त वर्ग क्या करता है, उपहार और सुविधा शुल्क। अब हम आपको यहाँ पर जब उपहार और सुविधा शुल्क की बात आ ही गई है तो मैं आप लोगों को एकदम रियल वाली बात बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। जैसे देखा जाए तो जो भ्रष्टाचार है छात्रों, यहाँ 3 प्रकार की, हमारे गुरु जी हैं, परम गुरु जी, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन यह कि मैं उनको नमन करता हूँ। देखिए वो ये बताए कि भ्रष्टाचार वाकई में 3 प्रकार से होता है। एक आपका नजराना है, ठीक है, नजराना, और एक है आपका शुक्राना, ठीक है, शुक्राना, नजराना, शुक्राना, और एक हो जाता है कि जबराना, ठीक है, ये 3 प्रकार के। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो भारत में नजराना और शुक्राना, इनको हम लोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते ही नहीं है, और केवल जबराना को ही हम भ्रष्टाचार में रख रहे हैं, ये हमारे जीन में बस गया। क्या होता है नजराना, भाई आप साहब के पास में जा रहे हैं, ठीक है, सर हैं भाई, आप कैसे मिलने जाएं, ठीक है, तो आपने क्या किया, चलो कुछ लेकर के चलते हैं, खाली हाथ जाने अच्छा नहीं लगता, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये नजराना की ठीक से सर हमको समय देंगे बात कर लेंगे, ये नजराना गलत बात है ना, आपको जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, नजराना है। तो ये भारत में इंटरनली अपने आप चलता है कि आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो इस सोच करके कह रहे भाई हम कैसे जाएंगे, ऐसे कैसे खाली हाथ चले जाए, मतलब आपके जीन में बस गया नजराना, अरे आप जाइए जो काम करना है करिए, ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति, कोई बीमार लाचार हो तो ठीक है, आप फल लेकर पहुंच गए उसकी मदद करने, लेकिन जब सब कुछ सही है और ईश्वर की दया से लाखों रुपए की सैलरी आ रही तो क्या जरूरत है, लेकिन लोग नजराना लेकर पहुंचते हैं। तो एक तो नजराना, इसको भ्रष्टाचार मानते ही नहीं है जबकि है, दूसरा शुक्राना, अब साहब के पास में गए, काम धंधा मतलब जो कुछ भी है हो गया तो उस शुक्राना लेकर के पहुंच गए, सर शुक्रिया सर आपकी वजह से, आपकी कृपा से जो है ये काम हो गया, ठीक है, मतलब शब्दों की जगह पर आपने कुछ उनको भेंट दिया, तो ये क्या है, ये शुक्राना। तो नजराना और शुक्राना छात्रों ये भ्रष्टाचार, जबकि वास्तव में ये भ्रष्टाचार की शुरुआत है, इनिशियल लेवल पे ये आदत डालने की कोशिश करता है, यही जो दे दे करके रहते हैं ना, तो जब भी ये भी बड़े पद पर पहुंचते हैं तो वो भी बैठ करके काम ना, क्योंकि यही दे दे करके क्या किए हैं, मान लिए कुछ कर लिए हैं, ठीक है, जो भी है, तो अब जब वो भी उसी पद पर बैठते हैं तो वो भी कामना करते रहते हैं, भाई नजराना शुक्राना कब आएगा, ठीक है, मतलब कोई नजराना और शुक्राना ला ही नहीं रहा, क्या बात है, हमें लग रहा है नॉर्मल आदमी है क्या, ये बहुत गलत प्रणनीत है छात्रों, मतलब इसकी वजह से पूरे मतलब बहुत गलत है, ठीक है। अब दूसरा, जो तीसरा नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ जबराना की, तो जबराना का मतलब हो गया बस सीधा, सर मेरा ये काम है, ठीक है, 5 लाख रुपए लगेंगे, अगर आप कर पाते तो ठीक, अदरवाइज नहीं, ये जबराना है, ठीक है। तो इसी जबराना को ही लोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में जबरन आपसे मतलब जो है वसूलिए। अब आप सोचिए कि नजराना और शुक्राना कहाँ गया, मतलब आप समझ गए होंगे उपहार और जो सुविधा शुल्क ये सब चीजें हैं छात्रों, ये सब भ्रष्टाचार के एक रूप है, यानी नजराना शुक्राना जबराना ये सब भ्रष्टाचार के ही रूप है, मतलब ये मैंने आपको थोड़ा सा सोशल लेवल पर समझा दिया, ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी का
एस्पिरेंट मैं भी हूँ और सोशियोलॉजी पढ़ाने का काम, उसको जीने का काम करता हूँ, इसलिए ये सब चीजें मेरे पास में आ जाती हैं और मैं उनको जो है वाकई में जोड़ करके देखता हूँ कि शुरुआत तो यहाँ से हो जाती है, ठीक है ना, शुरुआत यहाँ से शब्दों से होना चाहिए, लेकिन बस कुछ नहीं, शब्दों का खेल नहीं, यहाँ से कहानी शुरू होती है धीरे धीरे और फिर बाद में कैसे जीन में बस जाती है। चलिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, ये तो प्रैक्टिकल मैंने बात बता दी आपको, लेकिन थ्योरेटिकली देख लिया जाए कि भ्रष्टाचार का अर्थ है। देखो भ्रष्टाचार का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ, बिल्कुल सही बात है, भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचार। भ्रष्ट का मतलब होता बुरा या बिगड़ा हुआ और आचार का मतलब होता आचरण। अगर आपका बुरा या बिगड़ा हुआ आचरण है वही क्या है भ्रष्टाचार, अर्थात शाब्दिक अर्थ के आधार पर वह आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक व अनुचित हो, ठीक है, दूसरे को हानि पहुंचाता हो, तो वो क्या है, वही आपका भ्रष्टाचार है। देखिए एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है अच्छी सी, इलियट एवं मैरिल, ये डेफिनेशन है कि अपने अथवा अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना ही भ्रष्टाचार है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम भ्रष्टाचार करते हैं तो इन्हीं लोगों, सगे संबंधी, परिवार, मित्र, ये सब जो भी अपने पास में जुड़े डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके सबके लिए इकोनॉमिकली या किसी भी अन्य प्रकार का अगर लाभ उठा रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार। तो इसमें याद रखिएगा सगे संबंधी, परिवार, मित्र सब आ जाएं, तो इलियट मैरिल सबको जोड़ लेते हैं, किसको, सगे संबंधी, परिवार, मित्र। ये याद करने का तरीका, ये पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है पूरी याद करने, बस इतना केवल दिमाग में रखिए भ्रष्टाचार में इलियट मैरिल क्या बताते हैं, सबकी बात करने, सगे संबंधी, परिवार, मित्र की बात करने लगते हैं, बस काम खत्म। वहां डेफिनेशन खुद ही दी रहेगी, क्वेश्चन भी सामने रहेगा, आंसर भी सामने रहेगा, केवल आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर कि रॉबर्ट ब्रुक्स क्या कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्रुक्स जो है कहते हैं इसमें किसी मूर्त या अमूर्त लाभ पाने के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य सम्मिलित होते हैं। मतलब दो चीज है, रॉबर्ट ब्रुक्स बहुत ही शॉर्टकट में ब्रुक्स करते हैं और कहते हैं मूर्त या अमूर्त लाभ, ठीक है, मतलब इतना याद रखो रॉबर्ट ब्रुक्स क्या बात करते हैं, मूर्त या अमूर्त लाभ। देखो इसके ता के ऊपर आधार रहा है, अमूर्त के ऊपर आधार रहा है और रॉबर्ट के ऊपर आधार रहा है ना, ये सब कुछ मिल गया ना, बस यही मिल जाएगा, जब ये सब मिलने लगेगा तो दिमाग ना लगाना, चुपचाप आप जा करके रॉबर्ट ब्रुक्स पे लगा देना। डेफिनेशन क्या थी सर हमें नहीं पता, लेकिन उसका आंसर यही है ये पता है, ठीक है। तो ये आपको काम करना, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो इस एग्जामिनेशन में पास होना, सर मेरे कितने क्वेश्चन सही है ये ज्यादा माने रख रहा है, सर वो गलती से मेरा एटिक हो गया, उससे नहीं मतलब है, आपका गलती से टिक हो गया, सही हो गया, आपके नंबर मिलेंगे, और गलती से आपको आ रहा था लेकिन गलती से आपने दूसरा टिक कर दिया, गलत हो गया, तो आप गलत हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ ये ट्रिक से याद करके खत्म करिए। आप पूरी डेफिनेशन याद है नहीं सर, लेकिन हमको ये पता था ये ट्रिक, हमने कर दिया, बस काम खत्म। तो इस तरीके से गैर कानूनी, तो मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य जो क्या कहलाएगा, भ्रष्टाचार कहलाएगा। इस तरीके से इसके अंतर्गत गैर कानूनी ढंग से कमाई करना, बेईमानी, छल कपट, विश्वास, जालसाजी, अनैतिकता, पक्षपात, रिश्वतखोरी, ठीक है, चोरी, ये सब चीजें भी, मतलब जो है जितना भी इस तरीके से वो निकाल लेना। देखो यहाँ चोरी का मतलब मैंने ये बताया हुआ कि बस वही अनैतिक लाभ आप कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो वाली चोरी की बात करें, असहज आचरण, ये सब भ्रष्टाचार के श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्य और अधिकारों का, जो अपना सत्ता है और उसके अपने अधिकारों का दुरुपयोग है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने अथवा अपने राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाता है। तो पॉलिटिकली में अपने अपने राजनीतिक दल को, सामाजिक में अपने अथवा अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करता है। एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो लगातार पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से क्वेश्चन, इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसकी भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांक बनाती है। तो भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांक CPI 2019, क्योंकि सबसे लेटेस्ट डेटा यही है छात्रों, क्योंकि 2019 का डेटा जनवरी 2020 में निकला और 2020 चल रहा है, यानी 2020 का डेटा 2021 में जनवरी में आएगा। तो ठीक है, इसको याद रखिए कि भ्रष्टाचार अनुभव सूचक सूचकांक CPI 2019 में भारत का दुनिया के 180 देशों में शीर्ष 80वां स्थान है, 80 नंबर पे, और पिछले साल 78वें पद पर था, यानी 2 पॉइंट और भी गिर गया। मतलब छात्रों भ्रष्टाचार बढ़ गया, अब आप सोच लीजिए, ठीक है, ये तो दुखद वाली बात है, अत्यंत दुखद, अगर भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो आप देख लीजिए कि क्या है मैटर, ठीक है। तो 2 पॉइंट भ्रष्टाचार और नीचे चला गया, पहले 18वें पर था, अब 2 पॉइंट और नीचे इसकी स्थिति गिर गई है, तो 80वां स्थान है, ठीक है। इसका मतलब भ्रष्टाचार जो हमारे से संबंधित जो संस्थाएं हैं इनको और एक्टिव होने की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक दृष्टिपात कर लेते हैं कि भारत में किस तरीके से भ्रष्टाचार, भाई भ्रष्टाचार का मतलब हम आप यही लगाते हैं कि ठीक है किसी को एक मिठाई का डिब्बा दे दिया और मैंने बताया कि वो भी भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, ये तो छोटा मोटा एक भ्रष्टाचार चल रहा है,
या आप जाने लगे तो किसी को 150 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे, ठीक है भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भी भ्रष्टाचार है, चाय पिला दिया ये भी भ्रष्टाचार है। लेकिन ये सब भ्रष्टाचार छोड़िए, इससे तो ये है कि छोटा मोटा एक केवल काम हो रहा है, शिष्टाचार जिसको लोग कर रहे हैं उस भ्रष्टाचार को भी शिष्टाचार की श्रेणी में कर रहे हैं। लेकिन असली भ्रष्टाचार की नजर यहाँ पर मैंने कुछ लिख करके रखे हैं, इस पे दृष्टिपात आप डालिए कि क्या वो डेटा है जो बिल्कुल आंखें आपको खोल देते हैं। जैसे बोफोर्स तोप घोटाला, अब बोफोर्स तोप घोटाला यानी आर्मी में भी पहुंच गया भ्रष्टाचार, ठीक है 64 करोड़ रुपए का। अब आप सोच लीजिए 64 करोड़ रुपए मतलब माने रखते हैं चार। यूरिया घोटाला बहुत बड़ा 133 करोड़ रुपए, ये सब देखिए हल्का फुल्का झटके देने वाले, मतलब आप सोचिए छात्रों की 133 करोड़ मतलब हो गया पता नहीं कितने लोगों का जो पैसा लोगों को पहुंचना चाहिए वो एक कोई व्यक्ति जो उसका बॉस है वो अकेले डकार गया अपने कुछ लोगों के साथ में, मतलब क्या बात है ना। मतलब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, मतलब चारा घोटाला, अब आप देखिए 950 करोड़ रुपए, ठीक है अब 1-2 करोड़ नहीं 950 करोड़ रुपए। मतलब छात्रों हमें तो लग रहा है कि जो कंपनी जो लोग हैं मतलब जिनका जो जो भी राजनीतिक दल है, मैं किसी का नाम या कोई पर्टिकुलर, सब जगह जब चल ही रहा है तो आप जान ही रहे, तो इसका मतलब हो गया इनकी पाचन क्षमता कितनी जबरदस्त है, मतलब नील व्हेल मछली को भी खा जाए तो उनकी पूंछ भी ना दिखे, इतना इतना डकारने की क्षमता है। और आगे देखिए इसमें एकदम बिल्कुल नील व्हेल मछली, कोई छोटी मछली नहीं, शेयर बाजार घोटाला 4000 करोड़ रुपए, मतलब तहलका मच जाए इतना पैसा 4000 करोड़ रुपए। सत्यम घोटाला देखिए 7000 करोड़ रुपए। स्टाम्प पेपर घोटाला 43,000-45,000 बहुत ज्यादा होता है छात्रों। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़ रुपए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,67,000 करोड़ रुपए। अनाज घोटाला 2,00,000 करोड़ रुपए अनुमानित, बहुत ज्यादा, मतलब अब आप सोच लीजिए। और इसी तरीके से कोयला खादान घोटाला 12,00,000 करोड़ रुपए, मतलब बताइए छात्रों जब इतने इतने रुपए का कोई भी व्यक्ति हो और आपके घर पे मान लीजिए आपकी जो भी इनकम है, जो भी मान लीजिए सब इनकम है, अगर उस इनकम में इतने भारी भारी इनकम का अगर घोटाला कर दिया जाए, ठीक है, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति का उस परिवार का क्या हो सकता है। मतलब अगर वो छोटे से परिवार का है, मान लीजिए इसकी 20-30-40,000-50,000 थैली है और उसके 10-20,000 रुपए का घाटा अगर कर दिया जाए तो चल नहीं पाएगा। इसीलिए देश के अंदर में ये जो स्थितियां एकदम नाजुक हैं और जैसी थी वैसी की वैसी बनी है, उसके पीछे कारण सिर्फ ये है, ठीक है, अदरवाइज आज नजारा कुछ और होता छात्रों, ठीक है। और उन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हम आप हैं, क्योंकि हम आप भी बचपन से ही सामाजिकरण के माध्यम से नजराना शुक्राना सिखाया जाता है। आप सीधा डायरेक्ट अपनी चीजों की बात रखिए और अपनी कीमत चुकाइए और उन चीजों को आगे बढ़िए, उसमें नजराना शुक्राना पेश करने वाली बात नहीं है, ठीक है। और मेहनत करिए एकदम जम करके, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सिस्टम, जनता जागरूक हो रही है, सिस्टम बदल रहा है, ये बात तो निश्चित रूप से है, ठीक है, सिस्टम बदल तो रहा है, क्योंकि जनता के अंदर में जो जागरूकता है और मीडिया ये बहुत ही तेजी से चीजों को ला रही है। भ्रष्टाचार के सांस्कृतिक कारण के रूप में अब हम लोग भ्रष्टाचार का कारण कि क्या कारण है जो इतना तेजी से स्प्रेडिंग हो रहा है, तो सबसे पहले सांस्कृतिक कल्चर है, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो सीधा सीधा प्रभाव है वो कल्चर। हम लोग सांस्कृतिक कारण में देखें तो चरित्र का संकट, सबसे बड़ी चीज ये आ गई कि चरित्र का संकट ही आ गया। लोग क्या करें, अपने आप को किस रूप में रखें, जैसे मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी से एक छोटी सी कार लेकर के चल रहा है और वहीं पर उसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति है वो बेईमान किस्म है और वो एक बड़ी सी कार लेकर चल रहा है, तो इसकी पत्नी कह रही कि देखो उसी पद पर रह करके क्या से क्या कर रहे हो, इसी पद पर रह करके आप लोग, मतलब अब ये क्या है, इसके चरित्र का संकट आ गया। ये बहुत अच्छा काम करता है, सब कुछ है, इसका नाम भी है, लेकिन इसकी इज्जत नहीं है और ये कुछ नहीं कर रहा है, चापलूसी के माध्यम से लंबी कार और इसकी इज्जत भी है, ठाट और रुतबा और घर में भी बना हुआ है, तो अब चरित्र का संकट है कि इंसान क्या करे। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो सामने यही है कि करे तो क्या करे, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या, यानी मूल्यों की कमी हुई है छात्रों, मूल्य घटे हुए हैं। अगर इस व्यक्ति को बराबर सम्मान मिलता जो मेहनत कर रहा है आपके साथ में, अगर आप उसको सम्मान देते, उसके लिए कुछ काम करते, तो निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल चालाकी मक्कारी, जहां से भी आप जो भी लाभ उठाना चाहें लाभ उठाते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, ये सब चीजें चल रही हैं। तो देखो इसमें समाजीकरण का दोष है, सोशलाइजेशन की अगर हम लोग देखें तो सही बात, घर से ही लोग जो है चालाकी ये सब चीजें, जैसे बचपन से ही देख लीजिए आप ये कर दीजिए तो ये मिलेगा, इसका मतलब हो गया कि आप अभी से ही ये कहने लगे कि अगर आपको 2 पेज लिखना है तो आपको एक चॉकलेट मिले, गलत संस्कार मिल गया ना, सामाजिकरण ही एकदम बिल्कुल गलत हो गया। ये करेंगे तो ये करेंगे, इसका मतलब कर जब आप कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप धीरे धीरे करके, बहुत चीजें ऐसी हैं कि बच्चा नहीं भी करना चाह रहा है, मान लीजिए कोई काम है और आपने उसको कहा ये करिए नहीं, फिर आप उसको भ्रष्टाचार का जो है ब्रेड ले लीजिए, 10 रुपए का चॉकलेट लीजिए और ये जाकर के कर ले, ये सब सामाजिकरण सोशलाइजेशन का दोष है, काम ना करो ये सब चीजें, है ना।
खाली पढ़ते रहो बस यही सब मिले। मूल्यों में गिरावट, वैल्यूज घट गई तो, और आदर्श नियमों में संघर्ष, ठीक है। जो आदर्श नियम है आइडियलिस्टिक किसको माना जाए, यही मैंने बताया। इस दुनिया को देखा जाए कि मरने के बाद वाली दुनिया को देखा जाए, यानी भौतिकता बात ज्यादा अच्छा है या अध्यात्म बात ज्यादा अच्छा है, ये बड़ा संघर्ष वाली स्थिति हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे, सब चीजें आप लोग जानते हैं छात्रों, इसलिए मैं ज्यादा नहीं इंफोसाइज, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में आप पुरोधा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चर्चा कर देता हूं। जैसे भ्रष्टाचार का अगर प्रशासनिक कारण देखें, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही किसे कहते हैं, रेड टेपिज्म का मतलब होता है, जैसे कोई फाइल है और बड़े से ऊपर के क्रम में आ रही, तो छोटा बाबू, बड़ा बाबू, उसके बाद में ज्वाइंट डिप्टी सेक्रेटरी, और उसके बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, अब सबकी फाइलें जानी है। इस ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ बस इंतजार कर रहा है, भाई फाइल जा रही, अब यहाँ पे क्या है, ये फाइल यहाँ से यहाँ, ये फाइल 15 दिन पड़ी रहेगी, और इस फाइल से अगर आगे की फाइल पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं जो है क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको जो है ये फाइल के लिए यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हुए आगे बढ़ाना पड़े, समस्या का विषय वस्तु है। इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं कि प्रशासकों की विस्तृत विवेक शक्ति, जो विस्तृत विवेक शक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि सारा गुड़ गणित जान गए कि ये करने से ये होगा, इसको करने से ये होगा, उसका लाभ लोग उठा ले रहे हैं। और कानूनों का खोखलापन व कानूनी विधियों की जटिलताएं भी बहुत ज्यादा इस समय है कि खोखलापन, यानी कि तमाम ऐसे कानून बने हैं जिसके माध्यम से भाई कानून अंधा है, जब तक एविडेंस नहीं है तब तक आराम से लोग बच करके निकल सकते हैं। तो एविडेंस ना होना, और ज्येष्ठ अधिकारी, एक लास्ट में यहाँ पर आ जाता है कि ज्येष्ठ अधिकारी भी महत्वपूर्ण, कि जो ज्येष्ठ अधिकारी वाला कॉन्सेप्ट है बड़ा है, वो घाक बन के बैठा हुआ, उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है। यानी अगर घर का मुखिया ही अगर इस तरीके से हो गया तो नीचे चाहे इतने ईमानदार लोग हों, मजबूरन उसी की आइडियोलॉजी चलने लगती। तो ये इस प्रकार के कुछ कारण है। और इसी तरीके से देखें तो भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत कारण क्या क्या आ जाते हैं, तो परिवार का परंपरावादी दृष्टिकोण, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कि परिवार का परंपरावादी, देखते नहीं है कि सबसे पहली बात है परंपरावादी दृष्टिकोण जो है ये भी इसमें आता है कि जैसी हमारी परंपरा चल रही उसी प्रकार से करेंगे, आवाज को नहीं उठाएंगे। जैसे इसमें परंपरावादी दृष्टिकोण का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे महिलाएं हैं छात्रों, अगर कुछ भी अनैतिक है, कुछ भी गलत है तो आपको आवाज, लेकिन फिर क्या है, नहीं भाई पुलिस थाने में यहाँ जाना ही नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, अपनी इज्जत उछलेगी, तो ये क्या है, परंपरावादी दृष्टिकोण है। तो बहुत सारी समस्याएं तो इसी की वजह से चल रही। आप इसी के आगे देख लीजिए आपका सामाजिक प्रभुत्व की भावना, ठीक है, जो सोशली लोग डोमिनेंट होना चाहते हैं। अब डोमिनेंट होंगे कैसे, देखते नहीं कलर सभी लोग हैं, लेकिन उनमें कलर का बॉस कौन है, वही जो जिसको ज्यादा ऐसा गणित आता है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें चली। गरीबी भी कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार के लिए जो है जिम्मेदार है, क्यों, क्योंकि फिर वही है कि गरीबी अगर है व्यक्ति के पास में तो उस गरीब व्यक्ति से लोग कुछ पैसों के लिए मोहरा बना करके उसको काम करा देते हैं, तो ये क्या, गरीबी भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान है। अगर हम इकोनॉमिकल रीजन पर देखें, मतलब फोकस करें कि करप्शन के, तो उसमें महत्वाकांक्षा, आज का जो ये जो समाज है, पहले भारतीय जो संस्कृति है छात्रों, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, अध्यात्मवाद, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष का मतलब तभी प्राप्त होगा जब आपके साध्य भी अच्छे होंगे और साधन भी अच्छे होंगे, ठीक है, यानी अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे साधन प्रयोग। लेकिन आज की डेट में क्या है, कुछ भी हो आपके पास में धन धान्य होना चाहिए, यानी भौतिकतावादी संस्कृति हो गई, जहां लाभ है, और लाभ और गलाकाट प्रतियोगिता ने क्या कर दिया है, कुछ भी करिए बस पैसा आना चाहिए, बस इतना क्लियर रखिए, ठीक है। तो ये इस महत्वाकांक्षा ने क्या किया, भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया। नेक्स्ट लिखिए, प्रतिस्पर्धात्मक भौतिकतावादी जीवन पद्धति, ये मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ में पद्धति, लाइसेंस, परमिट, कोटा, कंट्रोल, ये सब, कि ठीक है लाइसेंस है तो हम आपको दे दे रहे हैं, आप हमें क्या देंगे, परमिट हो गया, कोटा हो गया, कोटेदारों से कि ठीक है कोटा हम आपको दे दे रहे हैं, लेकिन आप हमको क्या दे रहे हैं, इतने का माल हम आपको भेजवा, अरे भाई आप हमको थोड़े भेजवा रहे हैं, वो तो सरकार भेजवा रही है, और लेकिन बीच में ये कि ये सिग्नेचर हम कर रहे हैं ना, इस सिग्नेचर करने का हमारे लिए क्या आएगा, कंट्रोल पर, ये क्या है लाइसेंस, ये जो प्रणाली है, यही प्रणाली जो है भ्रष्टाचार के लिए हर पग पे जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अंग बनी हुई है, ठीक है। और राजनीतिक, व्यापारी, आपराधी गठजोड़, ये तो बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर में, ये त्रिगुट जो है इतना जबरदस्त बन गया है कि राजनीतिक, अपराधी, गठजोड़ तो ये तो अपने आप में है ही, लेकिन अभी आप राजनीतिक और व्यापारियों के गठजोड़ की जब कहानी जब कभी दृष्टिपात करके देखेंगे छात्रों, तो आपको पता चलेगा कि पूरे भारत के ऊपर शासन ये राजनीति और अपराधी क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में व्यापारी कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार जैसा चाहता है वही चीजें चल रही हैं, जिस प्रकार का माल और जिस प्रकार की चीजें, जिस प्रकार की दवाइयां, जिस प्रकार का वो चाह रहा है मार्केट में लॉन्च होना, वैसे ही चीजें लॉन्च हो रही। तो ये बहुत बड़ा कारण है, मतलब ये इकोनॉमिकल रीजन में बहुत बड़ा। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारणों में देखें,
तो यहाँ पर युवा वर्ग की उदासीनता, युवा वर्ग भाई काम कुछ ना करना पड़े, पैसा पूरा मिल जाए, सीधा सिस्टम आ जाता है। हम ये कहते हैं कि अगर आप बहुत सारे हमारे भी इस युवा वर्ग की उदासीनता का हमें एक भी रीजन बता दे रहे हैं, विश्वास मान लीजिए आपको सब समझ में आ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप अगर नेट पास हो गए हैं, ठीक है, या नेट पास हो जाते हैं, तो नेट पास होकर के उदास भाई, अगर आपने मेहनत किया, एक एक चीजें पढ़ी हुई है, अच्छे से समझा हुआ है, मेहनत करते हैं रोज 24 घंटे। अब आप सोचिए हमारे साथ में, देखिए मैं पूरे दिन भर आपके साथ में लगा रहता हूँ, अगर कोई मेहनत अगर कर रहा है तो सीधी सी बात है फिर उसके पास में धन धान्य की कमी नहीं होनी। बस ये है कि आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, बस कुछ ऐसा करना चाहता है कि सर कुछ करना भी ना पड़े और पैसा आ जाए, तो ये इस काम के लिए फिर वो जगह तलाश लेते हैं और वो कहते हैं वो एक ही काम, एक ही जगह है, वो है सरकारी मकहमा, जहां करना कुछ नहीं है, चापलूसी केवल करने आ जाए और बाकी आपके पास पैसा आता रहेगा, ठीक है। तो ये जो छात्रों हैं, ये युवा वर्ग की उदासीनता ही है। अगर लोग क्रिएटिव हों, क्रिएटिविटी को सम्मान किया जाए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए, है ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर युवा शक्ति दिखाने लगे और एक्टिव हो गए तो तुरंत ही मैनेजर आकर के कहेगा तो उड़ रहा है, इसके पंख पहले काट दो फिर उसके बाद में। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ की कल्चर जो है बड़ी गड़बड़ हो गई, और उसी के बहाने छात्रों ये भी है कि अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो 10 लोग आपसे जलन करते हैं, क्यों, मेहनत बहुत करता है भाई ये, है ना, कुछ करो इसका, मेहनत कम करवाओ। ये सब समस्याएं, और निष्पक्षता का अभाव हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ निष्पक्षता का अभाव, अधिक खर्चीलापन, ये सब चीजें, मतलब एक जैसे किसी काम को एक एजेंडा बनाना शुरू करते हैं तो उसमें इकोनॉमिकल नहीं बना करके उसका खर्चीलापन, आप देख लीजिए कि जब भी कोई सरकारी बजट बनता है तो वही बजट, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रेलवे स्टेशन है, अगर आप कभी और पूछिए उस रेलवे स्टेशन पर, नॉर्मल रेलवे स्टेशन है और उसे पूछा जाए कि इस पर कितने का खर्चा हो रहा है, तो कोई मतलब जो भी एक डाटा बता, मान लीजिए अप्रॉक्स बता रहा है कि 5 करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं प्रतिबद्ध, एक छोटा सा स्टेशन है, इस पे 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्चा होता है इसकी सैलरी से लेकर के और जितना मेंटेनेंस है। अब इसी 5 करोड़ वाले व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से कहा जाए जो कारपोरेट वाला व्यक्ति है, उससे कहा जाए भैया यही आपको स्टेशन है और आपको साफ सफाई और सब कुछ करना है, ये कितने में करते हैं, तुरंत बोलेगा सर 3 करोड़ में हो जाएगा। अब आप बताइए क्या है इसका मतलब है? और 3 करोड़ रुपए में रह करके इससे ज्यादा बढ़िया व्यवस्था दे रहा है, 5 करोड़ दे करके भी ये व्यवस्था टूटी, कारण क्या है भाई, अधिक खर्चीलापन है, युवा वर्ग की उदासीनता है, निष्पक्षता का अभाव है, कूड़े मांग पड़ी है, चल रहा है। मतलब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन छात्रों जो कार्य जिसको सौंपा जाता है आप सरकारी पद पर बैठे हुए, वो कार्य एटलीस्ट जो काम आपके नाम से वो काम होना चाहिए। इसके लिए देखिए एक जो समिति बनी हुई थी, जो आरटीआई ने आ करके काफी कुछ काम हल्का किया, लेकिन फिर वही है कि अभी भी अगर आप देख रहे होंगे तो आज भी स्थितियां बड़ी ही विडंब बनी हुई छात्रों, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं ज्यादा इस पे नहीं करूंगा ये सब, चूंकि ये सब टॉपिक आप जानते हैं, मैं थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ। सत्ता का लालच ये तो मेन है, चाहे देश बिक जाए, चाहे कुछ भी गिरवी रखना पड़े, हमें बस केवल सत्ता चाहिए, बस सत्ता वाला काम हो गया, जबकि वास्तविकता है काम के लिए नहीं कोई आना चाह रहा है, काम से कोई मतलब ही नहीं, केवल सत्ता का लालच जो है ये प्रमुख हो गया है, इसीलिए भ्रष्टाचार। अब अगर इस प्रकार कई कारणों से भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार के पीछे एक कारण नहीं है, कौन सा कारण आपके ऊपर हावी हुआ जिसकी वजह से आप भ्रष्टाचार करने लगे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कारण है, और इस कारणों के बाद में अब आता है कि उसका परिणाम क्या, सामाजिक परिणाम भाई, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, जो सामाजिक दुष्प्रभाव है उस पर क्या रहेंगे, तो आर्थिक विकास का रुक जाना। भ्रष्टाचार का मतलब हो गया कि जब आप ओवरलैपिंग ये सब चीजें, तो जो भी विकास का एजेंडा है वो तुरंत अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, व्यक्तियों का चारित्रिक पतन, निराशा कुंठा, ये भी हो जाएगा। भ्रष्ट मानसिकता का शिकार पूरा मतलब कूड़े में भांग पड़ जाएगी, जैसे कहते हैं ना कि एक दो व्यक्ति भ्रष्ट हैं लेकिन फिर जब देखा कि पूरा का पूरा मकहमा, हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा चलता है, आपको चलना है तो इसी तरीके से चलिए, जैसे होता नहीं है कि अगर आपको कुछ दिक्कत हो जाए आप किसी बात में कहने जाए कि भाई कोई सुनने वाला नहीं, अगर आपके पास में है कुछ धन धान्य तो आगे बढ़िए, अदरवाइज इस मामले को वहीं रफा दफा करिए। ये क्या है, भ्रष्ट मानसिकता का शिकार हो गया, पूरी मेंटेलिटी ही भ्रष्ट हो गई, मतलब कोई सुनेगा नहीं, है ना। तो राष्ट्र निर्माण में व्यवधान, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिविटी भाई ठीक है, जब चापलूसी करने से ही आदमी आगे बढ़ रहा है तो काम करके क्यों आगे बढ़ेगा। दूषित राजनीतिक वातावरण हो गया, असंतोष से घिरे जन समूह, बहुत सारे लोग जो एकदम देखते नहीं है सरकारी मकहमे के, किसी व्यक्ति से मिलिए आप, सरकारी प्राइवेट किसी भी व्यक्ति से कहीं पर भी मिलिए, हर आदमी केवल एक ही दुखड़ा का केवल गा रहा, सर मेहनत हम बहुत कर रहे हैं, हमको मिल कुछ नहीं रहा है, ठीक, मतलब प्राइवेट वाले से मिलिए वो तो ये कहेगा ही कहेगा, लेकिन उससे ज्यादा तेज में कौन रोएगा सरकारी वाला कि सर हम लोगों को क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं, पूरी स्थिति खराब है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलना,
पुलिस अधिकारी का जो है महीनावार पैसा लेना, ये सब चीजें हो गया, ठीक है। और सामाजिक असमानता में वृद्धि हो गई, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा अवरोध हो गया, गरीबी तथा अमीर के बीच खाई, मतलब ये भी एक बड़ा मतलब ये कि भाई जब भ्रष्टाचार कर रहा है तो जो उसमें आगे बढ़ता जा रहा है वो और आगे बढ़ता जा रहा है, और जो केवल पीछे रह रहा है वो पीछे ही रहता हुआ चला जा रहा है। इसी तरीके से देखिए इसमें किसानों को फसलों का सही मूल्यांकन न मिलना, ठीक है, MSP, जब MSP नहीं बना हुआ था तो देख लीजिए क्या स्थिति, MSP बनने के बाद में भी उनकी स्थिति छात्रों खराब है, ठीक है। और सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार से अफसरों नेताओं को घूस देना मजबूरी, तो ये सब चीजें हैं। फसल की बात से याद आ गया, छात्रों आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में जब प्याज हो जाती है तो आज वही प्याज हम लोग 25-30 रुपए में खरीदते हैं, कभी कभी तो 80-85 रुपए में भी खरीदते हैं, लेकिन विश्वास मानिए जब वहां पर प्याज होती है तो किसानों की दशा है तो 75 पैसे से लेकर 1 रुपए किलो में बेच देते हैं। क्या दुर्दशा है, इसका मतलब हो गया कि जो मेहनत कर रहा है कुछ नहीं, जो बीच में केवल होल्ड कर लिया है असली पैसा वही केवल कमा रहा है। और सख्त नियमों का ना होना, हमारे यहाँ सब लचर व्यवस्था में बनी हुई, तो उसी लचर व्यवस्था का फायदे का लाभ हर उठाते रहते हैं, क्योंकि हर जगह काट है, हर नियम है उसका काट भी है। चलिए भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के उपाय क्या है, ठीक है, उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, बड़ा सब प्रश्न तो ये है। तमाम सरकारें, तमाम लोग, तमाम चीजें, तमाम मीडिया, तमाम सिविल सोसाइटी सब मिलकर के आते हैं और सबने अपनी अपनी तरफ से काम किया, जैसे RTI वगैरह देख लीजिए 2002 में हुआ, 2005 में जाकर के अन्ना हजारे साहब इनकी सबकी टीम ने मिलकर के किया, तो क्या क्या हुआ है इसको देख लेते हैं। तो भ्रष्टाचार नियंत्रण जो भी प्रशासनिक संस्थान है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखो भैया सबसे पहले तो प्रत्येक विभाग के अंदर में, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, वहां पर क्या होता है कि मंत्रालय अलग से बना रहता है, राजनीतिक प्रमुख मंत्री भी होता है और अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी की पूरी जिम्मेदारी, तो विभागीय नियंत्रण, ठीक है, और संबंधित प्रश्नों का उत्तर विधायिका में देता है, अगर कोई भी फंसा तो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को जाकर के आंसर देना होता, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा इसी में अगर हम कानूनी प्रावधान देखें तो 1860 में अगर लोग बात करें, 1860 में निर्मित भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अनुसार प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दंडनीय अपराध माना गया। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो IPC की धारा अंग्रेजों के शासनकाल में, ठीक है, 1860 में इस पे बने, तो IPC जो है भारतीय दंड संहिता ये बना हुआ 161 के अनुसार, तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब जो है प्रशासनिक भ्रष्टाचार को वहीं पर किया गया। और अगर आजादी के बाद की बात करें, यानी ये 1860 वाला IPC की धारा में बना हुआ ये चीज, इसको याद रखिएगा, और आजादी के पश्चात भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 पहली बार जो बना था वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 बना हुआ था, जिसके अधीन यही था कि कोई लोक सेवक के अभियोजन को उसके पद से अगर हटाना है तो सक्षम अधिकारी जो भी होगा उसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अगर बॉस बोल दिया कि ठीक है तो बस बॉस इज ऑलवेज राइट हो जाएगा, काम खत्म हो जाता, तो इस ऐसे अधिनियम की बहुत ज्यादा मतलब जो है क्या किया गया, घोर विरोध किया गया, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के रूप में कठोर नियम पारित किया गया। यानी अगर ये आ जाए कि आजादी के समय तो आप यही लिखेंगे, ये जो आपका भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947, यानी आजादी के बाद पहला यही बना, लेकिन आज की डेट में जो अप्लाई है, जो चल रहा है, उसको अपडेट भी किया जा रहा है, वो यही है, यानी उसको समाप्त करके भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, और इसी में सुधार भी अभी 13 में किया गया, जो 15-18 में चीजें आ रही है, ठीक है। तो यही है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके रखिएगा, ये फैक्ट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये सब चीजें पुस्तकों के अंदर में अन्य जगहों पर अवेलेबल नहीं होती, तो जो मेन क्वेश्चन आता है उसको ध्यान रखना है आपको। और भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भी मनाया गया अनौपचारिक रूप से, ठीक है, UNCA यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो असेंबली है उसके द्वारा भ्रष्टाचार दिवस प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये संयुक्त राष्ट्र की सभा 31 अक्टूबर 2003 से, यानी हम लोग जगह कम 31 अक्टूबर 2003 से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी और एक प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। लेखा परीक्षण भी देखिए, जो CAG होता है इसकी स्थापना कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ये CAG, ठीक है, CAG की स्थापना कैग होता है, यानी भारत में जो भी लेखा जोखा होता है, जितना भी चीजें होती है, आय व्यय का परीक्षण करता है, और इसके लिए कई समितियां भी बनने का काम करती हैं, ठीक है, तो ये भी जैसे प्राकलन समिति हो गया, ये सब चीजें बनी रहती हैं जो एस्टीमेट बनाने का काम करती है, तो CAG इसमें लेखा जोखा परीक्षण करने का काम करता है। इसी तरीके से देखिए एक और भी आयोग, केंद्रीय सतर्कता CBC, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कि सीबीसी जो है एक प्रकार का परामर्शदाती संस्था परामर्श देने के लिए बनी होती है। जो सीबीआई होता है ये एक्शन सीधा लेता है और सीबीसी परामर्शदाती संस्था के रूप में होता है। छात्रों संस्थानम समिति को सुझाव में रखते हुए यानी सीबीसी का जो भ्रष्टाचार विरोधी या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति के आधार पर, संस्थानम समिति के आधार पर की गई थी। और केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है इसका गठन किया गया, परामर्शदाती संस्था है मतलब परामर्श देती है, मानना ना मानना वो सरकार का काम है लेकिन वो परामर्श देती है, और सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से विभागीय कार्रवाई की तरह जांच की जाती है। तो बात बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अगर हम लोग बात करें, सीबीआई की बात करें, तो इसका उद्गम उस समय हुआ था जब 1941 में विशेष पुलिस संगठन जो स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी उसी समय सीबीआई बनाई गई थी, ठीक है। और इसी तरीके से मंत्रालय में भी सतर्कता संगठन है, राज्यों में भी सतर्कता आयोग बनाया गया है, लोकायुक्त और लोकपाल ये जो बैंकिंग से संबंधित सेवाएं हैं उनके लिए बनाया गया कि वो सब जांच पड़ताल करते रहें। और 1964 के पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो 64 के बाद में उसके पूर्व की व्यवस्था में तो आप जानते ही हैं कि जो आपका ये बना हुआ था पहला वाला एक्ट यही जो पारित हुआ क्या था अंतरराष्ट्रीय ये जो है प्रशासनिक भ्रष्टाचार अधिनियम 1947 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947। लेकिन इसके बाद में 64 के बाद में 66 में प्रथम एआरसी हुई थी यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ था, उसी के बाद में फिर जो है छात्रों बहुत सारे बदलाव हुए थे, ठीक है। और बदलाव होने के बाद में और भ्रष्टाचार पर लगातार नकेल कसने की लगातार कोशिशें जारी हैं लेकिन आज भी दीमक की तरह बन करके ये छोड़ नहीं रहा, क्योंकि आप एक दो दीमक मार भी देते हैं अगर एक भी रह गया ना तो फिर से वो प्रसरित हो करके और पूरा का पूरा भाग फैला दे रहा है। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है छात्रों यहीं पर फिनिश हुआ। आप पूरी प्रतिबद्धता के साथ में जो टेस्ट पेपर हमारे होते हैं, ठीक है, उस टेस्ट पेपर को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ में दीजिए। मतलब कई विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए, कई तो सुस्त पड़ गए, ठीक है सर अब एग्जाम जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आप एक चीज नोट कर लीजिए कि अगर नेट नहीं है तो फिर आपके लिए कोई संसाधन नहीं रह जाता। पहला काम तो आप नेट जरूर पास करें, क्योंकि नेट पास हो जाते हैं तो फिर आगे चल करके आपके लिए पीएचडी की राह खुल जाए। कई विद्यार्थी इसलिए कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या बिना पीएचडी के नहीं होगा, भाई जो डिग्री कॉलेज एडेड डिग्री कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी नेट ही है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए वो भी 21 से वो आपका पीएचडी हो गया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के लिए है ये, अभी आप नेट के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। देखो नेट के एग्जामिनेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर लिख करके आता है, यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर RJRF, ठीक है, वो लिख करके आ जाता है। तो अब एक तो ये आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। दूसरी चीज एक सबसे बड़ी बात है कि अगर कंफर्म चाहते हैं तो जो टेस्ट हम संडे टू संडे कराते हैं उसमें 80% प्लस मार्क्स बुक कर दीजिए। इतनी मेहनत करिए हफ्ते भर के लेक्चरों में, इधर उधर जितने क्वेश्चन है सब कुछ मिला करके कुछ भी करिए, वो सब आप अपना जानते हैं। 80% प्लस में अगर आपके क्वेश्चन होने लगे यानी 100 में 80 क्वेश्चन सही अगर आपके लगातार हो रहे हैं, लिख लीजिए छात्रों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नेट होने से रोक दे, ठीक है। बस मेहनत और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी हैं इस पैमाने को टच करना शुरू कर दिए हैं वो जान लें कि वो निश्चित रूप से सिलेक्शन के भागीदार हैं, और जो इसके करीब में भी हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है, यानी 70 प्लस में तो कम से कम एटलीस्ट मेहनत करिए, ठीक है। चलिए छात्रों अब अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और बाकी सभी लोगों से गुजारिश भी रहती है कि आप लोग थोड़ा जब भी लेक्चर सुना करें तो उस पर अपने फीडबैक 2 मिनट तो लिख ही सकते हैं, तो 1 मिनट अपने फीडबैक जरूर दिया करिए। जो कमेंट बॉक्स बना रहते हैं उसमें फीडबैक दीजिए, है ना। जो वीडियो रहते हैं अगर अच्छे लगती हैं बातें तो उनको लाइक भी किया करिए। अगर आपको जैसे अब आपने पढ़ लिया क्लास के अंदर में, तो जब क्लास पढ़ते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, थैंक यू सर, तो यहां पर भी तो कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं होंगे छात्रों, सीधा एकदम जान के रखिए, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको ये लगेगा ठीक है लेक्चर आया है, जब हमारे पास टाइम होगा तो हम सुनेंगे। इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा, जिससे रेगुलेटरी और जितने भी विद्यार्थी जिनके अंदर में इंटरेक्शन बना हुआ है, चीजों चल रही है, वो आप धुआंधार एकदम से, कभी आपको लग रहा है कि हमारी पढ़ाई भी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप क्या करें, इस नंबर पे 7565955883 ये सब आपने देखा भी होगा, है ना, ये नंबर ऊपर इसमें रहता भी है, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके कभी संडे वगैरह को बात भी कर सकते हैं कि सर इस तरीके से चीजें हैं और इस पे क्या किया जाए, या हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट इस तरीके से। वैसे ग्रुप के अंदर में मैं पूरा वाच रखता हूं कि आप लोगों के क्या नंबर चल रहे हैं, कैसे क्या है, लेकिन फिर भी अपनी रिपोर्ट को आप स्पेशली दर्ज भी करा सकते हैं। थैंक यू छात्रों।